हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक मसाज सिखाने जा रही हूँ। मेरे को काफ़ी कॉल्स आए कि मैम आप बैक मसाज सिखाइए, तो मैं आज आपको बैक मसाज सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मैं बैक मसाज एलोवेरा जेल से, एलोवेरा का है ये स्क्रब, मैं इससे स्क्रब करना सिखाती हूँ आप। चलिए फ्रेंड्स, तो अपन बैक मसाज स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। तो पूरी बॉडी पर, बॉडी मसाज के लिए यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। मुझे इसका स्क्रब बहुत अच्छा लगता है, इसकी बहुत कम क्वांटिटी बहुत अच्छे तरीके से फैल जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए बैक मसाज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको क्रीम लगा लेनी है और एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना है फ्रेंड्स। है ना, सही से बैक कर, या इस साइड में आ जा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैक मसाज करने के लिए आपके थम्स का यूज होना है फ्रेंड। देखिए, मसाज के लिए फ्रेंड्स आप बार बार पानी का हाथ गीला करते रहिए, जिससे कि आपके हाथ बहुत स्मूथली चल सकें। और आपको ये इस चीज़ का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इसमें थम्स और ये जो पोर्च होते हैं अपने उंगलियों के, इनका यूज़ करना है। ये देखिए, ये आपकी शोल्डर पूरी मसाज जाएगी फ्रेंड्स। और आपको क्या करना है, इसको गोल गोल ऐसे घुमा के ये उंगलियों से यहाँ पर आपको प्रेशर डालना है फ्रेंड्स। के प्रेशर पॉइंट आप इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए फ्रेंड्स। मुट्ठी बना के आप जो आपकी उंगलियों के फिक्स रहते हैं फ्रेंड्स, आप इससे करेंगे तो आपके बैक के प्रेशर पॉइंट दबेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इनको गोल गोल अच्छे तरीके से घुमाइए। एक बात का ध्यान रखिए आप फ्रेंड्स कि स्क्रब सूखा हुआ बिल्कुल नहीं रगड़ना है आपको, बीच बीच में पानी लेते रहना है फ्रेंड्स। बीच बीच में पानी लेंगे आप तो आपका हाथ काफी स्मूथ चलेगा। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आपको, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी याद कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4 5 6 5 6 5 6 इस तरह से भी आप फ्रेंड्स काफ़ी इजी होता है, तो आप इस तरह से भी याद करके भी स्टेप्स कर सकते हैं। देखिए हाथ जितना आपका स्मूथ चलेगा फ्रेंड्स उतना अच्छा मसाज होगा बैक का। इसमें आपके जो ये एरिया है ये प्रेशर पॉइंट में आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपके प्रेशर पॉइंट होते हैं। इस आपको विशेष यहाँ पे मसाज करना है फ्रेंड्स। देखिए पर इस तरह से आप अंगूठे से दबाव डालेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, और आपको क्या करना है ये शोल्डर पर ले जाना है आपको यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए मैं आपको एक बार और रिपीट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको नीचे से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको दबाव डालना है और इसको आपको शोल्डर पर ले जाना है, ये देखिए। और आपको फिर उसी तरह से फ्रेंड्स अपने जो उंगली के पोर्स हैं आपके उसको आप चलाते रहिए। आपके थम्स यहीं रहेंगे फ्रेंड्स, ओनली आपके फिंगर्स चलेंगे। आपको यही स्टेप बार बार दोहरानी है फ्रेंड्स। आपको ये स्टेप कम से कम आपको 15 मिनट तक करना है फ्रेंड्स। 15 मिनट तक आप करेंगे और आपका मसाज एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इनके बैक को क्लीन कर देती हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप कितना क्लीन हो गया है इनका बैक। रेगुलर आप फ्रेंड्स अपने बैक को क्लीन करते रहिए, क्योंकि बैक साइड जो खुला एरिया रहता है काफ़ी फ्रेंड्स वो ब्लैक हो जाता है, तो आप रेगुलर क्लीन करते रहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पैक लगा लेना है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये चंदन पाउडर ले लिया है। चंदन पाउडर में मैंने क्या थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लिया है फ्रेंड। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं फ्रेंड, और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं। आपको पैक या तो नीचे से ऊपर लगाना है फ्रेंड, या ऊपर से नीचे लगाना है। आपको इस तरह से रब करके पैक नहीं लगाना है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैडम आप पैक को ऐसे गोल गोल घुमा के भी लगा सकते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल घुमा कर नहीं लगाइए। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो आप उसको ऊपर की ओर लगाइए फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपना बालों का डायरेक्शन देखिए कि बालों का डायरेक्शन किधर है, आप उधर ही लगाइए फ्रेंड्स। तो मैं इनका बालों का डायरेक्शन नीचे की ओर है फ्रेंड्स, तो मैं इनको ऊपर से नीचे की ओर लगा दी। इससे क्या है जब बैक्स करते हैं फ्रेंड तो काफ़ी इजी हो जाता है, बाल बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और वैक्स का भी एक ध्यान रखिए कि इसके बाद आप वैक्स करें तो पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर खींच के ही निकालें। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा आपको बैक मसाज किस कैसा लगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।